आजकल मिर्च में काफी बड़ी बीमारी आज के समय में पाई गई है। इसको जो है हिंदी में पर्ण कुंचन या मरोड़िया बीमारी के नाम पे भी किसान भाई जानते हैं। तो ये बीमारी एक तरह के विषाणु से फैलती है जो सफेद मक्खी द्वारा फैलाई जाती है, और ये सफेद मक्खियां ही इस विषाणु को फैलाती है जिसके कारण ये रोग होता है। इसके लिए किसान भाई क्या करें कि वो जो है अपने पौधों को नर्सरी को 400 mesh साइज के नेट के अंदर ही ले। इससे क्या है कि सफेद मक्खी अंदर ना घुस पाएंगी और विषाणु से पौधों को बचाया जा सके। उस टनल के अंदर में येलो स्टिकी ट्रैप जो आती है उसको भी नियमित अंतराल में लगा लें। इससे भी सफेद मक्खियों का काफी नियंत्रण हो सकता है। साथ ही साथ जो है वो नीम के तेल का भी छिड़काव करते रहें जिसका दर 2 ml प्रति लीटर होगा। एक बार पौध जब तैयार हो जाती है तो खेतों में रोपाई से पहले पौधों में फिर से नीम का तेल का छिड़काव करें। इससे जो है 10 से 15 दिन तक पौध जब खेत में पहुंच जाएंगे तो उनको रोग या बीमारी से बचाया जा सकेगा। खेतों के चारों तरफ 2 से 3 पंक्तियां जो है मक्का का या ज्वार का लगा लें। इससे मक्के या ज्वार की ये खासियत होती है कि ये सफ़ेद मक्खियों को रोकते हैं। एक बार खेतों में जब पौध आ गया है तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि खरपतवार खेतों में बिल्कुल ना रहे, क्योंकि ये खरपतवार जो है कई तरह के कीटों का घर होता है। इसमें जो है सफ़ेद मक्खी जो है मुख्य रोग वाहक है। फसल चक्र में क्या है कि अगर एक खेत में किसान भाई टमाटर वर्गीय फसल ले चुके हैं एक साल में, तो कोशिश करें कि उस खेत में दूसरे साल वो फसल फिर से ना ले। टमाटर वर्गीय जितने भी जिसमें मिर्च आती है, टमाटर आता है, बैंगन आता है, आलू आता है, ये फसलें ना ले। वो जो पौधे जिनमें इनको लग रहा है कि बीमारी आ चुकी है तो उनको उखाड़ करके खेतों से दूर एक गहरा गड्ढा खोद करके उसमें दाब दें। इसमें कई सारी रासायनिक दवाइयाँ आज के दिन में मौजूद हैं, जैसे है डाई थुएट है, ये लिक्विड में आता है, तो 2 ml प्रति लीटर के दर से छिड़काव करें। फिर डाइफेंथियोरॉन जिसका दर है 0.5 ग्राम प्रति लीटर के दर से छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान किसान भाइयों को रखना है कि जब भी इनका छिड़काव करें तो बदल बदल के करें, एक ही दवाई का छिड़काव लगातार ना करें। साथ ही नीम का तेल भी मिला सकते हैं दवाइयों के साथ, तो नीम के तेल का जो दर रहेगा वो 5 ml प्रति लीटर होगा। अगर आप प्रतिरोधक जो किस्में जो लगा रहे हैं वो रोग प्रतिरोधक किस्में हों, जिसमें से हमारे संस्थान से एक किस्म है पूसा सदाबहार, इसमें काफ़ी हद तक रोग को रोकने की क्षमता होती है। इस समय एक और कीट जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो माहू है, जिसको अंग्रेजी में थ्रिप्स बोलते हैं। ये एक तरह के दूसरे विषाणु को फैलाती है जिसको टॉस्पोवायरस बोलते हैं। तो इसमें भी जो है पत्तियों में कड़ापन आना, पत्तियां मुड़ना, ये सब बीमारियां देखी जा सकती हैं। तो इनका इसके बचाव के लिए अलग अलग तरीके की रासायनिक दवाइयां हैं, जिसमें से डाइमेथोएट आती है। तो सफ़ेद मक्खियों के लिए जो भी बचाव हमने बताया है वही सेम पद्धति आपको माहू के बचाव के लिए भी करना है, बस दवाइयां थोड़ी सी बदल जाती हैं, जिसमें से अलिका नाम की जो दवाई है वो आप इस्तेमाल करें। इसका दर जो है लगभग 1 ml प्रति लीटर रहेगा, उसका छिड़काव करके इस कीट से आप बचाव कर सकते हैं।